और मॉर्निंग से ही पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये है हनुमान भगवान की पूंछ, रथ यात्रा, ये दोनों होने वाला है जो 6 बजे से स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे। ये सारी चीजें जितनी भी दी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये। और आप देख सकते हैं स्पॉन्जी बना है केक, और इसको पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग, और कटिंग करने के बाद टेस्ट। सच में आज खुशी का माहौल है, हमारे श्री राम आंगन पता रहे हैं और हम सब बेहद ही ज्यादा खुश है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आज है 22 जनवरी और आज कुछ स्पेशल है, आप सभी को पता है। तो मैं आपको बाहर का व्यू पहले दिखा देती हूँ, क्या है आज का बाहर का व्यू। आज है 22 जनवरी और आप देख सकते हैं हर जगह पे फ्लैग लगे हुए हैं। ये मेरी रोड साइड है और हर रोड पे फ्लैग लगे हुए हैं और पोस्टर लगे हुए हैं राम भगवान के। और मॉर्निंग से ही पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया था, हमारे घर के ही सामने बहुत सारे जो पटाखे वो फोड़े गए थे, तो मैं वही आपको वीडियो दिखा रही हूँ। बोलो जय श्री राम। इसमें है कॉस्ट्यूम, तो इसको खोल के देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, ये है हनुमान भगवान की पूंछ, टेल है ये, ठीक है। और ये दोनों है ऊपर के दुपट्टे टाइप के हैं, इसको लगाना है मतलब लपेटना है ऐसे, या फिर आप ऐसे गले में भी इसको डाल सकते हैं। और इसके अलावा है ये नीचे का है, ये धोती है, पूरी धोती है ये ऐसे धोती। और इसके साथ है गले का हार, और बाजू में ये बाजू बंद जो रहता है वो वाला बाजू में लगाने के लिए, हाथों पे लगाने के लिए। और भी कुछ है, माला है, वो सब है इसमें। और इसके अलावा एक मुकुट भी रहेगा, और ये है मुकुट। तो आज कलश यात्रा और रथ यात्रा, ये दोनों होने वाला है जो 6 बजे से स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे। तो उसमें मेरे बेबी को बनाया गया है हनुमान, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको उसको रेडी करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। और हाँ, इसमें और एक है, ये रह गया, ये है इसके मुंह पे लगाने के लिए है मास्क तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको, यही है, आप समझ गए होंगे क्या है ये, ठीक है। तो ये सब है और बच्चे को करते हैं रेडी। अभी मैंने रेडी कर दिया है और मैं दिखा रही हूँ आपको हनुमान जी जो मैंने रेडी किए हैं। यहाँ पे ये फाइनल लुक है, हाथ में गदा पकड़ी है हनुमान जी ने, और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। जय श्री राम। माथे पर मुकुट, और ये सारी चीजें जितनी भी दी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें लेनी है, खरीदना है। तो आज मैंने बनाया है केक, और केक की रेसिपी है मैं और किसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल केक को चेक कर लेते हैं कि वो रेडी हो गया है कि नहीं, अंदर से कच्चा है या नहीं। ओके, चलो इसको चेक कर लेती हूँ मैं। ये मैंने डाला नाइफ, और कच्चा नहीं होना चाहिए, बस देखो क्लियर निकला है, मतलब पक गया अभी। और इसको डिमोल्ट कर लेती हूँ मैं पहले। केक को यहाँ पे मैंने डिमोल्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं स्पॉन्जी बना है केक, और इसको पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग, और कटिंग करने के बाद टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, बट वेनिला एसेंस डालना चाहिए था, फ्लेवर नहीं आया। वेनिला एसेंस डालते तो और फ्लेवर आता है ना, है ना? हाँ या ना तो बोल। हाँ। मैं आज बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा मुंह बना रही हूँ। सच में आज खुशी का माहौल है, हमारे श्री राम आंगन पता रहे हैं और हम सब बेहद ही ज्यादा खुश हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।